बसमिल रहीम और वालेकुम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो कि है कि भाई वाइफ फॉर मेड स्पेसिफायर इज़ यूज एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स वैसे तो फॉर मेड स्पेसिफायर का जो टॉपिक है इसको हमने भाई डिटेल में जो है पढ़ा हुआ है इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर किया था इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लेकिन यहाँ पर हम जो इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ इस बात में कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो किस तरीके से हम इसका आंसर देंगे तो सबसे पहले हमें सवाल को समझने की ज़रूरत है सवाल में पूछ रहा है कि भाई पहली चीज़ ये पूछ रहा है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किस लिए होता है और दूसरा कह रहा है कि उसके साथ कुछ एग्जांपल्स देके इसको एक्सप्लेन करें अब जब भी इस किस्म का सवाल आता है तो सबसे पहले आपने बताना होता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछ रहा है वो वह है क्या ताकि आप फिर उसका यूज़ समझा सके ना तो देखिए अगर वो कह रहे हैं ना वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ यूज़ इस सवाल के भी दो हिस्से हैं पहला हिस्सा है ये है कि आप उसको ये बताएं कि भाई जो टर्म है फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होती क्या है ठीक है तो आप उसको व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर का पहले जो जवाब देंगे दूसरे हिस्से में आप उसको ये बताएं कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किस लिए होता है ठीक है क्योंकि आपने वन एक्सप्लेन कर दिया कि स्पेसिफायर है क्या तो फिर ही आप उसका यूज़ एक्सप्लेन कर सकेंगे और फिर सवाल के तीसरे हिस्से में जो जवाब होगा उस सवाल का उसमें फिर आप उसको बताएं कि भाई एग्जाम्पल्स उसकी क्या क्या हैं तो इसी तरीके से हम इस सवाल का भी जवाब देंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर होता क्या है तो कहते हैं कि अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ अ कंप्यूटर कोड दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप पहली चीज़ फील्ड वर्थ दूसरी चीज़ एंड द फॉर्मेट तीसरी चीज अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड और रेड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस तो कह रहे कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफाइड एक कंप्यूटर कोड होता है जो तीन चीज़ों के बारे में बताता है कंप्यूटर को जिसके तहत कंप्यूटर जो है वो प्रिंट करता है अपनी स्क्रीन पे या रीड करता है मतलब कि या तो आउटपुट दे रहा होगा उस चीज़ की या इनपुट दे रहा होगा अब वो तीन चीज़ें क्या हैं पहली वो कहता है डाटा टाइप मतलब कि वो बताता है कि भाई ये इसकी डाटा टाइप क्या है इस वेरिएबल की तो वो हो सकता है कि इंटीजर डाटा टाइप हो, हो सकता है फ्लोट डाटा टाइप हो अब उसको प्रिंट करने के लिए वो बताएगा कि अगर इंटीजर है सपोज तो उसके लिए परसेंटेज डी लगा दो अगर फ्लोट है तो उसके लिए वो हो सकता है कि के के परसेंटेज एफ लगा दो तो इस तरह की डेटा टाइप वो पहली बात है बताता है ये होगी पहली चीज़ दूसरी चीज है फील्ड विट्स तो प्रिंट करते हुए हो सकता है आप कहते हो कि भाई दस पेस के बाद मेरा ये करेक्टर प्रिंट होना चाहिए तो आप इस तरह लिखेंगे परसेंटेज टेन के भाई दस स्पेस और आगे इंटीजर ऐसा सपोज तो परसेंटेज टेन डी तो दस पेसेज देंगे और फिर आप करेक्टर प्रिंट करेंगे ये आपकी फील्ड हो गई इसी चीज़ है कि फॉर्मेट फॉर्मेट ये है कि भाई आप प्रिंट करना क्या चाहते हैं किस तरीके से मसन के या रीड किस तरीके से करना चाहते हैं तो हम मिसाल प्रिंट की ले लेते हैं तो प्रिंट के, के केस में आप ये बता रहे हैं कि भाई अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ना तो आप बता रहे हैं कि भाई पहले मैं लिखूंगा सपोज के कोई टेक्स्ट लिखता हूं मैं कि दस इज़ और फिर मैं आगे उसके प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो फिर मैं परसेंटेज डी लगा लेता हूँ और फिर मैं इसके साथ वेरिएबल का नाम लिख दूंगा यहाँ पे जो भी होगा तो मैंने इधर क्या बताया कि फॉर्मेट एक भाई ये पहले कोई स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के बाद ये नंबर आएगा इसी तरह हो सकता है कि दो नंबर आ रहे हो तो मुख्तलि फॉर्मेट्स हो सकते हैं ठीक है तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि एक प्रिंट फॉर्मेट स्पेसिफायर बताता है अब इन समरी अब एक दफा इसको दोबारा देख लें कि भाई फॉर्मेट स्पेसिफायर एक कंप्यूटर कोड है जो कि बताता है हमें तीन चीज़ों के बारे में जिसमें कि पहली है डेटा टाइप जिसमें हमने कहा कि भाई क्या डेटा टाइप है उसके हिसाब से कोई फॉर्मेट स्पेसीफाई होगा उसका परसेंटेज डी परसेंटेज एफ परसेंटेज ई इस तरह फील्ड विथ के प्रिंट करते हुए कोई स्पेसिस अगर आपने देनी हो और फॉर्मेट कि भाई आप जब कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हैं आप कोई उसके साथ कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं कोई उसको कंबाइन करना चाह रहे हैं नंबर्स के साथ वो किस तरीके से होगा और इसको मिलाते हुए कह रहा है कि एक वैल्यू प्रिंट कराता है स्क्रीन के ऊपर या रीड करता है स्क्रीन से क्योंकि जब आप स्कैन एफ यूज करते हैं ना तब भी तो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है ना स्कैन एफ के केस में आप फिर इधर बताते हैं कि भाई रीड करते हुए किस किस्म का इनपुट होगा मसलन आप कहते हैं कि दो नंबर होंगे कॉमा से सेपरेट हुए हुए और दोनों इंटीजर्स होंगे तो आप कुछ इस तरीके से उसको लिखेंगे और नंबर्स के फिर आगे हायर वैल्यूज लिखेंगे तो फॉर्मेट स्पेसिफायर में इस वाले जगह पे आपने ये बताया उसको कि भाई दो नंबर्स हैं पहला वाला भी इंटीजर है दूसरा भी इंटीजर है और दरमियान में उसको सेपरेट कॉमा से करना है तो आपने एक पूरा फॉर्मेट और डाटा टाइप उसके अंदर बताई उसको कि भाई क्या होगी अच्छा नेक्स्ट जो है ये होगा आंसर का हमारा पहला पार्ट हमने उसको ये बता दिया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है अब हम उसको ये बताएंगे कि यूज़ किस लिए होता है तो यूजिंग दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड दट टाइप ऑफ डेटा दैट इज़ इन अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन और प्रिंटिंग आउट यूजिंग प्रिंट फंक्शन तो कह रहे हैं कि इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो आपका कंपाइलर है कंपाइलर इस चीज़ के आपके इस्तेमाल से ये समझ जाता है कि भाई किस टाइप का वेरिएबल जो है ना आप प्रिंट करना चाह रहे हैं या रीड करना चाह रहे हैं तो जैसे भी हमने लिखा था ना तो हमने जब प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी थी तो प्रिंट की स्टेटमेंट में जब हम लिखते थे कि भाई सम अब हो सकता है कि सम के आगे जो वेरिएबल आप यहाँ पे देंगे वो हो सकता है कि भाई फ्लोट हो या इंटीजर हो तो इन केस ये फ्लोट है तो आप यहाँ परसेंटेज एफ लिखेंगे ठीक है अगर यही इंटीजर होता है तो आप इधर परसेंटेज डी लिखते तो आपने बेसिकली कंपाइलर को ये बताया कि भाई वेरिएबल की टाइप है? अब यही चीज़ आप प्रिंट करते हुए भी आप उसको बताएंगे स्कैन करते हुए मतलब कि रीड करते हुए आप उसको ये बताएंगे कि भाई वेरिएबल की टाइप क्या है किस टाइप का वेरिएबल आप इनपुट कर रहे हैं तो ये हो गया इनका यूजेज लास्टली वो कह रहा है कि भाई कुछ एग्जांपल्स भी आप दें अच्छा एग्जाम्पल्स अब हम इसको दे देते हैं इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक छोटा सा मैं एक इलस्ट्रेशन बनाऊँगा ये इलस्ट्रेशन अगर आप भी बना लें तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी एग्जांपल देने के लिए बड़ी क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल हो जाएंगी तो एक चार्ट सा है ये तो बेसिकली ये एक ट्री जिस तरह बनाते हैं तो एक ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो इसको हम कहते हैं कि भाई हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो एक होते हैं इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इनकी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं कि भाई परसेंटेज डी हो गया परसेंटेज आई हो गया परसेंटेज एल डी हो गया ठीक है फिर हमारे पास हैं फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं कि भाई फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ़ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए परसेंटेज ई कोई ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए हो तो परसेंटेज एल एफ़ है फिर हमारे पास आ जाते हैं करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती है कि भाई परसेंटेज सी है तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी एक्सप्लेन कर दिया उसके यूजेज को भी एक्सप्लेन कर दिया और साथ में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दी अगर यही सवाल सपोज लॉन्ग में आ जाए तो आप फर्दर जो है इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर को एक्सप्लेन कर देंगे फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को भी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही आप फिर कोई प्रिंट एफ़ और स्कैन एफ की एग्जाम्पल्स और ऐड कर दें थोड़ी तो वो आपका लॉन्ग भी कवर हो जाएगा